सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। और सवालात का जो सिलसिला है वो जारी है। आपके हस्बैंड ने आपको पहला तोहफा क्या दिया था, खास तोहफा? खास तोहफा पहला, वैसे तो बहुत सारे तोहफे मिले हैं। पहला गुलाब का फूल मिला था मुझे, और वो भी प्लेन में मिला था। क्यों ये मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गुलाब का फूल दिया था। जहाज में फूल लेके चले गए थे? हाँ, इतने सारे वो बुकेज उठाए हुए थे ना, उसमें से एक फूल निकाल के दिया। हाँ, क्यों, क्या किस्सा क्या था वहाँ पे, कैसे दिया ये जरा बताओ। नहीं मैं क्यों बताऊँ, हर बार मैं ही बताऊँ, आप बताओ। हर बात आप लोग उनको बताने को बोल देते, बताए ना। ये मोस्टली जो है ना थिएटर, हमारा जो थिएटर है इसको यूरोप यूके ये सारा हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ अपने कल्चर को, अच्छे थिएटर। माशाल्लाह। तो एक में ये साथ आ गई, फर्स्ट टाइम थी। ट्रैवल साथ हो गया। ट्रैवल साथ, अब करते रहे। एक हम जा रहे थे एथेंस, हाँ, यूरोप से, कहाँ से गए थे, डेनमार्क से। तो रास्ते में मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वो बुके वगैरह थी एयर होस्टेस के पास, मैंने देखे, मैंने खूबसूरत उसमें से एक फूल निकाला और वो एयर पॉकेट्स बहुत ज्यादा आ रही थी। अच्छा। ये अकेली बैठी हुई थी और मैंने फूल, मैं उठा तो मुझे उसने बिठा दिया, जी ये क्या कर रहे हैं, बैठ जाए बैठ जाए। मैंने कहा मुझे एक फूल दो, मैं वहां जाके बैठ जाता। फूल उठा एयर पॉकेट्स में, उठ के मैं फूल दे चला गया। क्यूट 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 क्यूट। तो फिर प्रपोज किस तरह किया फिर आपने इनको, या आपने कर दिया? नहीं मैंने किया था। देखा, मुझे शक पड़ा था, मैंने कहा या आपने कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने यूं करके ना आपको देखा। मैंने कहा फिर तो आपने किया है। मैंने किया था। आपने कैसे प्रपोज किया? मुझे अच्छे लगे थे ना, तो मैंने इनके साथ ट्रैवल किया। एक माह हम इकट्ठे रहे ड्रामास के लिए, तो गए थे ना, तो ट्रैवल में मैंने देखा, कहते हैं अक्सर उन लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है जो लोग ट्रैवल में बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आए, आपको पता चल जाता है ना, कहते हैं सफ़र करके देखे तो अंदाज़ा होता है कि ये शख्स क्या है, इंसान कैसे है, और अच्छा नज़र आना और होता है, नहीं अच्छे हैं आप, बिहेवियर और होता है। हाँ, बिहेवियर भी आपका अच्छा है, आप खुद भी अच्छे हैं, आपके काम भी अच्छे हैं, वो सारा कुछ मैंने देखा, तो मैंने कहा ये शख्स है जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। क्या बात है, ऐसी आप लोग खुश रहें। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया हमारे साथ, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इतना अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुनकर और आप लोगों के साथ बात कर। खास अंदाज था आप लोगों का जो हमने खास इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि रोज़ आप हमसे मिलते, हमसे मुलाकात करते, और ख़ास उन मेरी दोस्तों का शुक्रिया जो मिलकर मेरे साथ इस शो को खूबसूरत बनाती हैं। अगले हफ्ते से, मंडे से, आप हमें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसा धमाका लेकर आ रहे हैं, जो आपने पहले कभी भी ना देखा होगा। तो मंडे से आपने मेरा सेट, मुझे और मेरे सेगमेंट को इंजॉय ज़रूर करना है, क्योंकि हम एक बहुत मज़े का वीक मनाने जा रहे हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगी मंडे से एक नए रूप में, एक नए अंदाज़ में, सुबह की फिज़ा में। मिलती हूँ मंडे को। खुदा हाफ़िज़।